आज विपक्षियों के पास सिर्फ और सिर्फ पता क्या रह गया है, 400 पार नहीं आएगी, 400 पार नहीं आएगी, अरे नहीं आएगी 400 पार, 370 आएगी, 350 आएगी, 300 आएगी, फिर भी मोदी जी बनेंगे। तुम्हारी छाती पर मुंह डला जाएगा, बर्नौल खरीद लो। तस्वीर तो इतनी अच्छी बदल दी है कि ये वही एक लोकतंत्र भारत था जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। ऐसा हुआ था आप मुझे बताइए? देश की आजादी से लेकर 2014 तक हुआ था मैडम। भाई ने कहा कि 2014 से पहले सब भाई भाई बनकर रहते थे। अब मैं इनसे पूछता हूँ, आजमगढ़ में दंगा क्या 2014 के बाद हुआ था? अलीगढ़ में दंगा क्या 2014 के बाद हुआ था? रायबरेली का दंगा क्या 2014 के बाद हुआ है, या फिर मुजफ्फरनगर का दंगा 2014 के बाद हुआ है? आप मुझे एक दंगा बताइए। भैया का नॉलेज देखो, 272 पे गवर्नमेंट बन जाती है। 82 ले ले यार, 272 को बन जाए। बीजेपी कर रही है। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको धक्का नहीं दे रहा, आप ऐसे आइए भाई साहब, आप ऐसे आइए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल देता हूँ। आप किसी को इस तरह से धक्का नहीं दे रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम कितने लोग जानते हैं? जैसे सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है ना, ऐसे ही कांग्रेसी समर्थकों को हर जगह भाईचारा भाईचारा भाईचारा। आपको अगर भाईचारा निभाना है ना, तो दोनों को भाई बनना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि एक तो भाई बने और दूसरा चारा बन जाए, जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ। भोजपुरी में एक और कहावत है, जब कर आम तब कर लबेदा। जब जो चीज होगी ना, उस समय पर उसकी बात करना यार। मैं समर्थन करता हूँ विकास को, मैं समर्थन करता हूँ रोजगार को, मैं समर्थन करता हूँ देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को, ना ही किसी ऐसी सरकार को जो एक तरफा सबको हांक रही है। कचरा और वायरस हर धर्म में उपलब्ध होता है। किसी का प्रशंसक होना फिर भी अच्छा है किसी की चमचागिरी से। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में आ रहे हैं। अरे यार, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है। केजरीवाल तो दिल्ली से कैंडिडेट भी नहीं है। और क्या, केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 3 सीटों से दिल्ली में केजरीवाल आ जाएगा क्या? क्या मजाक करते हैं यार। तो भाई साहब थे ना पढ़े लिखे युवा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, जहाँ से राहुल गांधी पढ़ के आए थे, और फिर आटे को लीटर में तौल रहे थे, कोयले से स्टोव जला रहे थे और चाय बना रहे थे। बिल्कुल मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ, मैं उस नरेंद्र दामोदर दास मोदी का प्रशंसक हूँ, जिसको आज 5-5 कंट्रीज ने, न सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि 5-5 अलग अलग कंट्रीज ने ना, उनको अपने देश का सर्वाधिक सम्मानित जो पुरस्कार होता है उससे नवाजा है। मैं उस नरेंद्र मोदी का बिल्कुल प्रशंसक हूँ, जिसने हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी है। मैं बिल्कुल हूँ भाई साहब, तस्वीर तो बदली। किसी का प्रशंसक होना, तस्वीर तो वास्तव में बदल दी है। एक सेकंड में बोल लूँ फिर आप बोल लेना। किसी का प्रशंसक होना फिर भी अच्छा है किसी की चमचागिरी से, समझ गए? ये कुछ क्या? तस्वीर तो इतनी अच्छी बदल दी है कि ये वही एक लोकतंत्र भारत था जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। कब ऐसा हुआ था आप मुझे बताइए? देश की आजादी से लेकर 2014 तक हुआ था मैडम। अभी क्या हो रहा है? अभी हर नजर में एक धर्म को दूसरे धर्म के नजर में निंदनीय नजर से, और कौन कर रहा है ये आप भी जानते हैं, यहाँ खड़ी सारी जनता जानती है। अब मैं दूंगा, यहाँ खड़ी सारी जनता इस बात का पूरा जवाब दूंगा। भाई ने कहा 2014 से पहले सब भाई भाई बनकर रहते थे। अब मैं इनसे पूछता हूं, आजमगढ़ में दंगा क्या 2014 के बाद हुआ था? अलीगढ़ में दंगा क्या 2014 के बाद हुआ था? रायबरेली का दंगा क्या 2014 के बाद हुआ है, या फिर मुजफ्फरनगर का दंगा 2014 के बाद हुआ है? आप मुझे एक दंगा बताइए। पहली चीज, ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ आते हैं यहाँ पर मोदी का इनको विरोध करना, जैसे सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है ना, ऐसे ही कांग्रेसी समर्थकों को हर जगह भाईचारा भाईचारा भाईचारा। और भाईचारे में एक बड़ी बारीक सी लाइन है, आपको अगर भाईचारा निभाना है ना, तो दोनों को भाई बनना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि एक तो भाई बने और दूसरा चारा बन जाए, जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ। कन्हैया लाल के ऊपर कितने लोग बाहर निकले थे मुझे जरा बता दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ। भैया ने मुझे सीधा कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, ये इनकी बिल्कुल गलत फहमी है। मैं इंडिया का एक एजुकेटेड सिटीजन हूँ और मैं समर्थन करता हूँ विकास को, मैं समर्थन करता हूँ रोजगार को, मैं समर्थन करता हूँ देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को, ना ही किसी ऐसी सरकार को जो एक तरफा सबको हांक रही है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जी हाँ अभी भाई ने, एक मिनट चुप नरेंद्र, चुप रहे प्लीज। अभी जो भाई साहब ने कहा कि क्या मुजफ्फरनगर में दंगे 2014 से के बाद हुए, आजमगढ़ में 2014 के बाद हुए, अलीगढ़ में 2014 के बाद हुए, क्या आप इस पे अपना जवाब देंगे?
मैं इस पे अपना जवाब देना चाह रहा हूँ। 100 करोड़ से ज्यादा वाली 14 के बाद दंगे हुए देश में, मुझे ये पहले कंप्लीट कर। आप रुके, आपने अभी कहा कि बीजेपी जो है कि हाँक रही है। जी हाँ, इनके बात का जवाब क्या कह रहे हैं आप? 400 मिशन का जो टी शर्ट पहने हैं और ये नारा है बीजेपी का ही। अभी जवाब देता हूँ, अभी आपको भी जवाब देता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं, देखो लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वैसे ही भाई को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसे मैं मिशन 400 पार कर आया हूँ, और कहते हैं ना हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, नाऊ भाई कै बार, तो वो कहता बाबू थोड़ी देर रुक जाओ सब आगे ही आ जाएगा जब कटेगा। तो वही भाई साहब के साथ में 4 जून, बहुत दिन नहीं रह गए हैं 4 जून में, आप देख लीजिएगा 4 जून को पता चल जाएगा 400 पार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, पहली चीज़। और 400 पार हो या ना हो, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहकर जा रहा हूँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बन रहे हैं, और इस 15 अगस्त को भी इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा वही ध्वजारोहण करेंगे। ये कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, बीजेपी हाक रही है, आप कैसे कह रहे हैं कि वो तीसरी बार? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको धक्का नहीं दे रहा, आप ऐसे आइए भाई साहब, आप ऐसे आइए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल देता हूँ। आप किसी को इस तरह से धक्का नहीं दे रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम कितने लोग जानते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी का कितने लोग नाम जानते हैं? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अकबरुद्दीन उसका छोटा भाई है। आप जो पढ़े लिखे युवा हो ना, अब थोड़ा सा आपका ज्ञान करेक्ट कर देता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी उसका छोटा भाई है, जिसने बयान दिया था 15 मिनट के लिए हटा दो, और 25 और 100 वाली बातें बोली थी। ये तो क्या ये भाईचारा था? ऐसे भाषण दे दो, सभी धर्मों में सभी लोग देते हैं, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। देखिए कचरा और वायरस हर धर्म में उपलब्ध होता है, उनकी बात मानना और नहीं मानना ये एक सिटीजन का कर्तव्य है। आपके बोला कि 15 मिनट के, एक सेकंड रुकिएगा। अरे रुकिएगा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी या फिर कौन से ऐसे नेता हैं जो विकास करना चाहते हैं आपके हिसाब से? अभी चुनाव चल रहा है, आप किसको? तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा, ये तो सबको पता है, दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। ये कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल ही है। देखो मैडम, अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, लोकसभा की 7 सीटें भाजपा जीतेगी, और नहीं तो इन भाई साहब का भी चेहरा कैमरे पर है, मेरा भी है, मैं इनसे वादा करता हूँ यहाँ पर आकर मिल लेंगे, मैं मिठाई खिला दूंगा इनको। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में आ रहे हैं। अरे यार, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है। केजरीवाल तो दिल्ली से कैंडिडेट भी नहीं है। और क्या, केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 3 सीटों से दिल्ली में केजरीवाल आ जाएगा क्या? क्या मजाक करते हैं यार, पढ़े लिखे युवा है। मैं पढ़ा लिखा युवा, पढ़े लिखा युवा है, मैंने प्रधानमंत्री की बात नहीं, कहां तक पढ़े हैं सर? लोकसभा चुनाव की बात कर ही नहीं रहा, दिल्ली के एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री को। लोकसभा चुनाव होने वाला है ना, तो 25 का जिक्र आप पहले से भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? भोजपुरी में एक और कहावत है, जब कर आम तब कर लबेदा, जब जो चीज होगी ना उस समय पर उसकी बात करना। यार आप अभी से वहाँ क्यों जा रहे हो? अभी 400 बार बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 4 जून के लिए बोल तो रहा हूँ, 4 जून आ गया है, हार जीत का तो मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा यह है कि 400 प्लस होगा या नहीं होगा, और बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी, वो बोले कि अब की बार मैं 400 पार आ रही हूँ, सुनो। और ये कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, 400 पार तो नहीं होगी, इतनी चाहे लोग। अरे इनको हारने जीतने से मतलब नहीं है, इनको ये मतलब है कि 400 पार नहीं होगा, आपको इससे क्या लेना है? इन कांग्रेसियों को ये जरूर समझना चाहिए कि भैया 400 पार अगर नहीं भी हुई ना, 282 चाहिए होती है पूर्ण बहुमत के लिए, 282, और वो 100% है, वो 100% है भैया का नॉलेज देखो, 272 पे गवर्नमेंट बन जाती है, 82 ले लो यार, 272 ले लो। तो भाई साहब थे ना पढ़े लिखे युवा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, जहाँ से राहुल गांधी पढ़ के आए थे, और फिर आटे को लीटर में तौल रहे थे, कोयले से स्टोव जला रहे थे और चाय बना रहे थे, वही वाले थे ये, इससे आगे कुछ नहीं थे। मैं बता रहा हूँ, आज विपक्षियों के पास में ना जवाब भी नहीं रह गया है, आज विपक्षियों के पास सिर्फ और सिर्फ पता क्या रह गया है, 400 पार नहीं आएगी, 400 पार नहीं आएगी। अरे नहीं आएगी 400 पार, 370 आएगी, 350 आएगी, 300 आएगी, फिर भी मोदी जी बनेंगे। तुम्हारी छाती पर मूंग दला जाएगा, बर्नौल खरीद लो, बात खत्म, जय श्री राम।